क्लॉट्स शूज एंड बैग्स पेश करते हैं कंप्लीट कलेक्शन। सैंडल्स, शूज, हैंडबैग्स, ट्रैवल बैग्स भी, फैंसी डिजाइन, हाई हील्स, कैजुअल, ऑफिस वेयर, डेली वेयर। लॉट्स शूज एंड बैग्स सेल्फ मैन्युफैक्चर है अफोर्डेबल प्राइस के साथ अप टू 50% डिस्काउंट। तो आज ही आए लॉट्स शूज एंड बैग्स। मुंब्रा में टोरेंट पावर के खिलाफ आज मुस्लिम लीग पार्टी और जन अधिकार पार्टी ने जेल भरो आंदोलन शुरू किया। यह आंदोलन मुंब्रा के शिमला पार्क तालाब के पास शुरू किया गया था। इन आंदोलनकारियों की मांग है कि टोरेंट पावर पीडी का बकाया रद्द करे, साथ ही बिजली चोरी का आरोप लगाकर जो FIR दर्ज की जा रही है ये भी बंद हो। हालांकि इस आंदोलन के दौरान पुलिस सभी आंदोलनकारियों को हिरासत में ले लिया और पुलिस स्टेशन लेकर चली गई। क्या आंदोलन किए थे आज आप लोग यहाँ पर? अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले तो आप सभी से मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी कि काफ़ी वक्त हो गया इसको स्टार्ट करने में। मैं ये सबसे पहले बताऊँगी कि ये टोरेंट का जो हम लोगों का आंदोलन आज का था, ये आंदोलन जो है वो PD और FIR को लेकर है। हम नहीं चाहते कि मुंब्रा के लोग जो है, मुंब्रा के लोग को क्रिमिनल बनाया जाए, मुंब्रा के लोगों पर ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाया जाए कि वो चोर है, चोरी के लिए। अगर आपके पास सामने से कोई आ रहा है मीटर लगवाने के लिए तो आप उनकी मदद कीजिए, ना कि उनके ऊपर FIR डालिए, आप उनको मीटर लगाने में मदद कीजिए ना। हमारा बोलने का मतलब ये था, हमारी कोई भी ऐसी स्टेट लेवल की या नेशनल की ऐसी कोई बड़ी बड़ी मांगे नहीं, हमारी सिर्फ दो मांगे कि भाई हमारे मुंब्रा के लोगों को जो है वो तुम क्रिमिनल मत बनाओ, FIR दर्ज करके। और रही बात दूसरी PD की, जो हम लोग बताना चाह रहे हैं, PD का मसला कुछ ऐसा है कि इन लोगों का बोलना ये था कि भाई तुमने इतने साल से यूज़ किया, तुमने PD मतलब क्या, जो परमानेंट डिस्कनेक्शन हुआ था, उसके बाद जो है MACP के जो ऑफिसर्स है उन लोगों ने उनको बिल नहीं भेजा। और मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 है उसके अकॉर्डिंग 56 सेक्शन सब सेक्शन 2 में ये लिखा हुआ है कि अगर आपसे जो है 2 साल तक MAC कोई भी अथॉरिटी ने अगर आपसे बिल नहीं मांगा है, इसका मतलब आपको कोई PD की भरपाई आपसे नहीं मांग सकता आगे। अगर क्योंकि हमारे साथ पीछे जो कंज्यूमर्स खड़े हैं उसमें 2014 के 2016 के ऐसे लोग खड़े हैं, यहाँ पर 2016 2014 के कंज्यूमर खड़े जिनको PD हुआ था 2014 और 15 में 16 में, लेकिन उनको अब तक बिल नहीं आया। और आज जाके 2021 में उनको बिल आ रहा है और बोलते हैं कि आपके 6 साल का 7 साल का बिल माफी है। तो हमारा बोलने का मतलब ये कि जब एक्ट में लिखा है कि भाई 2 साल से ज़्यादा आप नहीं मांग सकते हो तो आप किस बिना पे जो है वो हमारे मुंब्रा वालों से PD वसूल कर रहे हो। तो हमारा हम लोग जो है, देखिए हम लोग को किसी से डर नहीं है, हम लोग सिर्फ डरते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, हमारे कानून से। जब हम लोग कानून पे चल रहे हैं तो क्यों हम लोगों को कानून का उल्लंघन, ये लोग कैसे कानून का उल्लंघन करें? और अगर ये लोग कर रहे हैं तो किसका साथ है और ये लोग किसके बिना पे, किसके बल पे, किसकी, ये लोग किसके सहारे पे जो है वो टोरेंट वाले इतनी दादागिरी कर रहे हैं हमारे लोगों पर? तो बोलने का मकसद ये है कि हमारा ये आंदोलन सिर्फ और सिर्फ ये है कि भाई हमारे मुंब्रा वालों को आप FIR दर्ज ना करो, गरीबों के ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहिए, आप गरीबों के ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहिए। जो बिल बढ़ा के भेजा जा रहा है, जो चीज में हर ये लोग गड़बड़ कर रहे, ये चीज होना नहीं मांगता है, क्योंकि गरीबों के ऊपर तो ये लोग ने 7 रुपए कुछ ऐसे मीटर लगाया गया है, इनके ऊपर ये मीटर लगाया गया है, ये हिसाब से आप लोग ने ये आंदोलन रखा गया है। चलो अच्छा भाई जाने दो,